हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग टॉप 5 बेस्ट ग्लू वॉल टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं, जिससे आप फास्ट ग्लू वॉल लगा सकते हो एंड ऑफसाइड ग्लू वॉल कैसे लगा सकते हो इसका भी ट्रिक बताऊंगा। सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एंड बहुत दिन बाद गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो दे रहा हूं। तो प्लीज़ एक दोस्त के साथ शेयर करना वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। हम लोग ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियोज़ लाते रहते हैं एंड गाइस इस वीडियो का लाइक एम रख रहे हैं 38K लाइक। उम्मीद है आप लोग 38,000 लाइक एम कंप्लीट कर दोगे। पिछले गिव अवे का जो विनर था उसका यू आईडी आपके सामने है। इसके आईडी पे कल तक 400 का टॉप अप चला जाएगा एंड इस वीडियो पे भी 400 का टॉप अप का गिव अवे है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको करना कुछ भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना है एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एंड उसके बाद आपका यू आईडी कमेंट करना है। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आपका लक बढ़ जाएगा जीतने का, ठीक है? तो शेयर जरूर करना। सो ये बढ़ते हैं हमारा फर्स्ट टिप्स की ओर। सो जो फर्स्ट टिप्स होने वाला है वो है गाइस ऑफसाइड ग्लू वॉल के ऊपर होने वाला है। तो गाइस आप में से काफी सारे बंदे मेरे को मैसेज कर रहे थे एंड कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम ऑफसाइड ग्लू वॉल कैसे लगाते हो, मतलब उल्टा ग्लू वॉल, मतलब एक साइड पे तो मूवमेंट करते हो एंड एक साइड ग्लू वॉल लगता है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ ग्लू वॉल ऐसे लग रहा है जो ऑफसाइड है, मतलब उल्टा लग रहा है, ठीक है? तो यही उल्टा ग्लू वॉल आप में से काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि मेरे को सीखना है कि कैसे आके लगा लेते हो एंड मैं अपना दोस्त को दिखाऊंगा। तो देखो सबसे पहले गाइज ऐसे ग्लू वॉल लगाने का कोई फायदा तो नहीं है, ये एक मिस्टेक है गाइज, ठीक है? तो इस मिस्टेक को अगर आप करते हो तो आपको तो पता होगा क्या होगा, मतलब आप मूवमेंट एक साइड पे करोगे मतलब ग्लू वॉल के कवर के आप बाहर चला जाओगे गाइज। तो ये चीज़ सीखने का कोई फायदा नहीं है, बट मैं बताऊंगा किस रीज़न से ये चीज़ होता है एंड ओनली बैठ के ग्लू वॉल लगाने से नहीं होता, खड़ा होकर ग्लू वॉल लगाओगे तो भी ये चीज़ होता है। जैसे देखो यहाँ पे डबल ग्लू वॉल लग के पैक हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, देखो साइड पे ग्लू वॉल लग रहा है। तो ये कैसे हो रहा है गाइस, ये ज़्यादा मूवमेंट की वजह से होता है, मतलब जब आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप मतलब वन शॉट प्लस ग्लू वॉल एकदम एक सेकंड के अंदर मारते हो एंड मूवमेंट करते हो उस टाइम पे आपका ग्लू वॉल कुछ इस तरह से लगता है। काफ़ी सारे बंदे का लगता है, आप में से बहुत सारे बंदे देखा होगा एंड आपको तो पता है मेरा मूवमेंट मतलब ठीक ठाक है, तो उसी के कारण देखो हो रहा है यहाँ पे। एंड उसके भी अलावा एक और चीज़ है, आप जब ग्लू वॉल लगाते हो तो आप दोनों साइड पर अगर खींचते हो, मतलब अगर आप आपका जो एम है उसको एक बार पीछे के साइड पे खींच के एक बार तुरंत आगे के साइड पे खींचते हो तो ऐसा होता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, जैसे ये मैंने फायर किया, ओके, एंड उसके बाद मैंने बैठ के ग्लू वॉल लगाया एंड मेरा एम देखो पीछे के साइड पे गया, उसके बाद आगे के साइड पे लेके आया, तो इस कारण से मेरा ग्लू वॉल जो है साइड में लगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपको करना नहीं है। ये अगर आप करते हो तो आपको तो पता है क्या होगा, ग्लू वॉल के कवर के बाहर चला जाओगे आप एंड आप मर सकते हो, ओके? सो इस चीज़ को आप ट्राई मत करना। हाँ, अगर आप अपने दोस्त लोगों को दिखाना चाहते हो कि मेरा ग्लू वॉल देख कैसे उल्टा लग रहा है तो आप कर सकते हो गाइस। जैसे देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, बट अगर आपका ये चीज़ मतलब होते ही जा रहा है तो आप अपना सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो एंड उसके बाद फिर से बढ़ा लो सेंसिटिविटी को, ठीक हो जाएगा ये चीज़, ओके? तो इस तरह से आप करना मत, ये ट्रिक आप लोगों को जानना था इसीलिए मैंने बता दिया। अभी बढ़ते हैं हमारा सेकंड टिप्स की ओर। सो हमारा जो सेकंड टिप्स है वो है गाइस फास्ट ग्लू वॉल। तो आप में से काफ़ी सारे बंदे का जो है फास्ट ग्लू वॉल नहीं लगता, तो अभी आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर इस जगह पे आ जाओगे तो आप ग्लू वॉल प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैं आ गया, अभी मैं यहाँ पे गाइस ग्लू वॉल ले लिया, ठीक है? तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस तरह से जो है ग्लू वॉल प्रैक्टिस कर सकता हूँ। यहाँ पे एक मशीन देता है, इस मशीन को मेरे को ब्लॉक करना है, इससे आपका ग्लू वॉल का स्पीड बढ़ेगा। बट क्या आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करके अपना ग्लू वॉल स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब इस तरह से स्लो स्लो ग्लू वॉल लगा लगा के? मतलब देखो ये मशीन जो है ये बहुत स्लो काम करता है, मतलब आप जो है एक तरफ लगाओगे उसके बाद आप आराम से जो है दूसरी तरफ ब्लॉक कर सकते हो, तो ये मशीन बहुत स्लो काम करता है। इस तरह से अगर आप ग्लू वॉल लगाते हो इस जगह पे आके तो आपका ग्लू वॉल का स्पीड कभी भी नहीं बढ़ेगा। इससे क्या होगा गाइज, इससे आपका रिएक्शन टाइम बढ़ सकता है, ठीक है? बट ग्लू वॉल स्पीड नहीं बढ़ेगा। सो आप ग्लू वॉल स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो इस जगह पे आके, उसका भी एक ट्रिक है मेरे पास, मैं बताता हूँ गाइज, ओके? सो देखो आपको करना क्या है, इधर आके आपको 25 ग्लू वॉल ले लेना है, एक क्लिक में ले सकते हो। उसके बाद आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर आपको दौड़ते रहना है, यानी कि मूवमेंट करते करते आपको ग्लू वॉल लगाता रहना है, चाहे आप खड़ा होकर ग्लू वॉल लगा रहे हो या फिर बैठ के ग्लू वॉल लगा रहे हो, बट आपको मूवमेंट करता रहना है। इससे क्या होगा गाइस, आपका रिएक्शन टाइम भी बढ़ेगा एंड आपका हैंड स्पीड भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका ग्लू वॉल स्पीड भी बढ़ेगा, कन्फर्म है गाइस। आप इस टिप्स को इस जगह पे यूज़ करो, आपका ग्लू वॉल स्पीड अगर नहीं बढ़ा एक हफ्ते के अंदर तो आप मेरे को गाली देना इस वीडियो के नीचे आके गाइस, ओके? देखो इस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है ग्लू वॉल स्पीड इंक्रीज करने में, ठीक है? तो इसको जरूर ट्राई करना। सो ये बढ़ते हैं हमारा थर्ड टिप्स की ओर। सो हमारा जो थर्ड टिप्स होने वाला है वो है सेंसिटिविटी, कस्टम हुड, रिएक्शन टाइम। आप में से बहुत सारे बंदे को कन्फ्यूजन रहता है कि बैठ के ग्लू वॉल लगाना है या खड़ा होकर ग्लू
ग्लूअ लगाना है, ये भी कंफ्यूजन दूर करूंगा। सो आपका जो जनरल सेंसिटिविटी है उसको 100 कर लेना है या फिर हाई कर लेना है। उसके बाद देखो आपका जो लेफ्ट फायर बटन और ग्लूअल वाला बटन है उसको गाइज एकदम मतलब आसपास रखना है, तभी आप जो है फास्ट ग्लूअल लगा पाओगे। एंड काफ़ी सारे बंदे ग्लूअल वाले बटन को जो है चेंज करता रहता है, तो आपको ग्लूअल वाला बटन को कभी भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ग्लूअल वाला बटन चेंज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो एक ही जगह पर रहने देना ग्लूअल वाले बटन को, ओके। तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता चली गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गाइज यहाँ पे खड़ा होकर आपको ग्लूअल लगाना चाहिए या बैठ के ग्लूअल लगाना चाहिए। तो देखो काफ़ी सारे बंदे जो है खड़ा होकर ग्लूअल लगाता है, फास्ट लगाता है, बट खड़ा होकर लगाओगे तो थोड़ा दूर लगता है, ठीक है। अगर आप खड़ा होकर ग्लूअल लगाते हो तो काफ़ी कम बटन का काम है, मतलब दो ही बटन का काम है, एक तो ग्लूअल वाला बटन एंड दूसरा राइट फायर बटन। बट अगर आप बैठ के ग्लूअल लगाते हो तो 5 बटन का काम है, एक तो देखो फायर करना है, उसके बाद ग्लूअल लेना है, बैठना है, लेफ्ट फायर बटन पर दबाना है, उसके बाद आपको रन बटन पर दबाना है। बट बैठ के लगाओगे तो आपके एकदम मुँह के पास गिरेगा ग्लूअल, एंड उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत स्पीड से लगा सकते हो ग्लूअल। इसके अलावा अभी बात किया जाए तो बैठ के आप पीछे के साइड पर ग्लूअल लगा सकते हो कुछ इस तरह से गाइस। अगर आप ढलान पे चढ़े हो तो उस टाइम पे जो है पीछे के साइड पे ग्लूअल लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है राइट फायर बटन से, तो उस टाइम पे जो है लेफ्ट फायर बटन को यूज किया जाता है पीछे के साइड पे इस तरह से ग्लूअल लगाने के लिए। देख सकते हो मैं किस तरह से जो है पीछे के साइड पे एक मतलब सेकंड में ग्लूअल लगा रहा हूं। तो आप अगर बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसके अलावा भी और भी काफ़ी ज़्यादा फायदा है, आप पैक कर सकते हो, मतलब पैक जो है आप खड़ा खड़ा करोगे तो बहुत दूर दूर ग्लूअल लगेगा, तो पैक आप खड़ा होकर नहीं कर सकते, ठीक है, बैठ के ही करना पड़ेगा। उसके अलावा भी आप जो है भाग सकते हो पीछे के साइड पर ग्लूअल लगा के, तो लेफ्ट फायर बटन से जो है पीछे के साइड पर ग्लूअल लगाया जाता है, एंड खड़ा होकर ग्लूअल आप राइट फायर बटन से लगा सकते हो। लेफ्ट फायर बटन से ग्लूअल लगाने का बहुत ज़्यादा फायदा है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सही है, अगर नहीं कर सकते तो भी चलेगा गाइस, खड़ा होकर भी लगा सकते हो। तो हमारा फोर्थ टिप्स ये है गाइस, आपको हमेशा गाइस कवर में रहना है, मतलब अगर आपके पास ग्लूअल है एक्स्ट्रा तो आप जो है खुले में जा सकते हो, मतलब 4-5 ग्लूअल है तो, वरना आपको हमेशा ग्लूअल के कवर में रहना है। जैसे देखो इस बंदे ने मेरे को इतना ज्यादा डैमेज दिया, अगर मैं रश करता तो मैं मर जाता, मैंने यहाँ पे ग्लूअल का कवर लिया, मैंने इसको आराम से मार दिया। तो आपको जो है हमेशा ग्लूअल के कवर में रहना है, ग्लूअल का कवर कभी छोड़ना नहीं है। एंड उसके अलावा अगर आप किसी भी बंदे को डैमेज देते हो एंड उसके बाद आपको रश करना है तो सीधा सीधा रश मत करना कभी भी, क्योंकि सीधा सीधा करोगे रस तो वो बंदा आपको मार देगा। तो आपको क्या करना है, उसके मुंह के सामने एक ग्लूअल लगाना है एंड उसके बाद आपको तुरंत जो है रस करके उसको मारना है। जैसे देखो इस बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, मैंने उसके मुंह के सामने एक ग्लूअल डाला एंड उसके बाद मैंने रस करके इसको आराम से फेल दिया गाइस, ठीक है। तो आपको इसी तरह से जो है रस करना है, एंड जैसे मैंने बताया गाइस आपको कभी भी ग्लूअल का कवर छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्लूअल का कवर छोड़ते हो तो आपको मरना होगा गाइस, क्योंकि ग्लूअल एक ऐसा चीज़ है जिसके मदद से आप जो है कवर ले सकते हो। अगर आप ग्लूअल का कवर छोड़ देते हो तो आपके पास कोई सा भी कवर नहीं बचेगा और आप फिनिश हो जाओगे, ओके गाइस। अगर आपके पास ग्लूअल नहीं होगा तो आप जो है खिड़की दरवाज़ा या फिर पेड़ का कवर लेके उसके पास जाके उसको मार सकते हो, या फिर रस ही मत करो गाइस ग्लूअल नहीं है तो। सो भी बढ़ते हमारा 5 नंबर टिप्स की ओर। सो हमारा जो 5 नंबर टिप्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, देखो गाइस ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपका। तो काफ़ी टाइम पर क्या होता है, घर के ऊपर बंदे कैंप करते हैं एंड आप लोगों को ऊपर रस नहीं करने देते, तो आप जो है नीचे से ग्लूअल लगा के घर के ऊपर रस कर सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे देखो अगर मैं घर के गेट को ब्लॉक कर दूंगा तो मैं आराम से जो है ऊपर रस करके उस बंदे को मार सकता हूं, आप पूरा स्क्वाड को घुसा सकते हो इस तरह से पैक करके, ओके गाइस। एंड आप किसी भी घर के ऊपर जो है इस तरह से रश कर सकते हो। उसके अलावा आप ग्लूअल लगा लगा के जो है काफी घर पे चढ़ भी सकते हो गाइस, ओके। सो आपको क्या करना है गाइस, इस तरह से आप रैंक गेम के अंदर कर सकते हो, टूर्नामेंट के अंदर अगर आप इस चीज को यूज करते हो तो वो लोग बग या फिर मतलब ग्लिच वगैरह मान लेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे तुरंत। तो आप गाइज इस चीज़ को टूर्नामेंट के अंदर यूज़ मत करना, मतलब ये एक तरह से बग ही हुआ। आप किसी के ऊपर मतलब सीधा सीधा रस कर सकते हो बट ग्लूअल लगा के उसको पैक करके रस नहीं कर सकते, या फिर ग्लूअल लगा के किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये जो ट्रिक है गाइज, ये सारे ट्रिक को जो है आप लोग रैंक गेम के अंदर यूज़ करो आराम से एकदम मज़े से, बट टूर्नामेंट के अंदर आप यूज़ नहीं करना, ठीक है। एंड काफ़ी सारे बंदे जो है टूर्नामेंट नहीं खेलता तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है उसमें यूज़ मत करना गाइज। ये सारे जो ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ट्रिक है। तो डबल के ऊपर जो है आप गेट पे बैठते हो तो आप एक ग्लूअल अगर नीचे से जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे लगाते हो ना, तो आप जो है आराम से मतलब घर के ऊपर रश कर सकते हो एंड चारों तरफ से आपको कवर मिलेगा गाइस, ठीक है। तो ये सारे टिप को आपको रैंक गेम के अंदर यूज करना है, रैंक गेम के अंदर आपको घर के ऊपर रश करने में ये सारे ट्रिक आपका काम आएगा, बट टूर्नामेंट पे यूज मत करना। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस वीडियो को जरूर से शेयर करना, बहुत दिन बाद टिप्स एंड ट्रिक्स दिया, शेयर करोगे तो आपका लक चांस भी बढ़ेगा। एंड उसके बाद आपका UID कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना।